बेटा आज अपन डिफरेंशियल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? साउंड क्लियर है सबको? बताओ। नमस्कार। अमन, सेजल, हिमांशु, सिमरन, विनायक, अमन, सबको नमस्कार। आवाज़ क्लियर है एकदम? बेटा आज जो सेशन है अपन डिफरेंशियल स्टार्ट करेंगे, इन्वर्स कर लेना अपनी, कंप्लीट है इन्वर्स। हिमांशु, नए बच्चे, इनको बोला नहीं क्या तूने? आज से नया सेशन स्टार्ट है भाई। तूने कहा था ना जो उनको बच्चों जोड़ा है कि नए बच्चे, बोल रहा था एंसलम के और उसके। हाँ ठीक है, अपन अब डिफरेंशियल स्टार्ट कर रहे हैं। समझो, लाइव हो जाओ। विशाल, हर्ष, कहाँ रह गए सब आज? हाँ ठीक है, अब देखो अपन जो कर रहे हैं स्टार्ट से, अपना बिल्कुल बेसिस से करेंगे अपन। ओके चलो, अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपने वीडियोस बार बार देख लेना तुम। देखो सबसे पहले समझो तुम, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। बड़े का थ्योरी वाला पार्ट अपन लास्ट से पढ़ेंगे, केवल अपन जो भी सॉल्व करने वाला वो पढ़ने वाले हैं अपन। जैसे मैंने बोला डी ए अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसका मतलब हुआ एक्स की पावर वन हाफ। तो एन की वैल्यू कितनी है? वन हाफ है, तो ये कितना हुआ? वन अपॉन टू एक्स की पावर वन अपॉन टू माइनस वन। हेलो, बेटा आ गया ना? अब क्लियर एकदम? बताओ, आवाज थोड़ी दिक्कत हो गई थी कनेक्शन में। अब सब क्लियर है मेरे हिसाब से? सर रुक जाओ, सबको आने तो दो। अच्छा, बड़े भी कर रहे हैं स्टार्ट। अच्छा मैं बता रहा था, जो अपन खाना वाना अपन दे रहे थे, अपने 6000 के आसपास टिफिन बांट चुके हैं लगातार अपन, और दो तीन बार अखबार में फोटो आ चुकी है। इस बार अपने भेज दूंगा मैं तुमको। आ रही है आवाज? ले रहे क्या? अब जो आएगा रे आएगा, जो नहीं आएगा नहीं आएगा। पढ़ना उसको पढ़ो, तो मत पढ़ो भाड़ में जाए मेरी तरफ से। अच्छा क्लास में आके शर्माने वाली बात है, गायब ही रहते हैं क्लास के अंदर। छोटे बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, वो ज़्यादा बढ़िया है तुमसे। तो किसी मम्मी मम्मी आ गए ना गलती से, जो मुंह से कुछ भी निकल जाए तो ध्यान रखना उन चीज़ों का। दो, इसका हो गया वन अपॉन टू एक्स की पावर माइनस हाफ वन अपॉन टू रूट एक्स। दोबारा देख लो, बट डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? वन हाफ है। तो क्या आ गया? एक्स की पावर माइनस हाफ, इसका मतलब हुआ तुम्हारा रूट एक्स। तो ये ध्यान रखना कि तुम्हारे से घबराना पसंद से, एक्स की पावर माइनस हाफ है, इसका मतलब है वन अपॉन रूट एक्स। एक्स की पावर माइनस वन अपॉन थ्री है, इसका मतलब है वन अपॉन एक्स की पावर वन बाई थ्री। ठीक है ना? तो ये सोचने लगनी है, एक्स की पावर वन बाई फोर लिखा हुआ है, माइनस है पावर, तो इसका मतलब क्या है? वन अपॉन एक्स की पावर वन बाई फोर। इन चीज़ों को क्लियर रखना एकदम, ठीक है? इसको नोट भी करते रहो साथ में, ताकि तुमको समझ में आती रहेगी चीज़ें। आज एकदम लेवल जीरो से चलेंगे स्टार्ट अपन। कौन कौन आ गए क्लास के लिए, एक बार उसमें पिन कर दो फटाफट।
लाइक किसने नहीं किया आज, लाइक करो उसको। ठीक है चलो आगे करते हैं। मैंने क्वेश्चन ये चीज क्लियर है एकदम। बोले ओके सर थोड़ा। तो ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो नहीं आ रहा मैं कोई बात। ठीक है बेटा अपन आगे कर रहे हैं, नेक्स्ट ओपन कर रहे हैं। इसके अंदर थोड़ा ध्यान देना आप, क्योंकि यहीं पे तुम्हारी पूरी मैक्स टिकी हुई है। ध्यान रखना इस चीज़ पे, जो टॉपिक कर रहे हैं इस पे तुम्हारी पूरी मैक्स टिकी हुई है, और सबका ध्यान केवल यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कम से कम 40 से 50 नंबर यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन प्लानिंग से। बेसिक पार्ट वीक हो जाएगा, आगे दिक्कत हो जाएगी। मैंने बोला डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोई भी तुम्हारी कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो। ये कोई भी तुम्हारी कांस्टेंट है भाई, चेंज कांस्टेंट का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ, इसका मतलब है चेंज इन वैल्यू। का मतलब क्या है, चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और वाई वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं होगा तो क्या होगा, डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कोई भी तुम्हारी कांस्टेंट टर्म उसका डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो। मैंने बोला कि कोई भी तुम्हारा कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने बोला ए इंटू एक्स है। अब ए तुम्हारा कांस्टेंट है और एक्स तुम्हारा वेरिएबल है। तुमको पहले भी समझाया था कि ए बी सी एक्स ए बी सी तुम्हारे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट। एक्स वाई जेड तुम्हारे क्या होते हैं, वेरिएबल। ठीक है तो ए को बाहर रखो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स फॉर्मूला लगाया, ए एक्स की पावर 1 हो गया, तो 1 एक्स की पावर 0, तो आंसर इज ए। 4 तो तुम्हारा लो एक्स, तुम्हारा डिफरेंस जो होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स। लिख लो फटाफट। ओके बेटा, आज विशाल नहीं आया, आज कहाँ गया विशाल आज। ठीक विशाल कहाँ गया आज। ठीक एक बार नोट भी करते रहो फॉर्मूले तुम्हारे साथ में। लिख लिया हमने, फिर आगे चलेंगे अपन। तू ही बता देना है ना। ठीक है ठीक है, बट आगे देखो तुम। देखो आप देखो नेक्स्ट, मैंने बोला तुमसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x की पावर 2 माइनस 1, आंसर कितना आ गया, 2x। ठीक है देखो साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है, तुम्हारे पास कॉस एक्स
और इसका अदद हमारे पास माइनस साइन एक्स, ये फॉर्मूले याद ही करने पड़ेंगे, इनको इलाज नहीं है। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, और कॉस एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये छह फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले। इसके अलावा जो तुम्हारे डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, इसका होता है ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ये होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, ये फटाफट नोट कर लेना, तो थोड़ा एक दो लिख देता हूँ मैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वर्स एक्स, इसका होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ। तो बेटा ये टॉपिक है, इसके बाद मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दूंगा, और तुमको डिफरेंशियल क्लियर नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन में एक शब्द समझ में नहीं आना, और बीच में क्लास कहीं नहीं रुकेगी, जो क्लास में आओ तो आओ, बताओ तो मत आओ, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं आ रहे वो बाद में बोले सर डिफरेंशियल करा दो, ये करा दो। ठीक है ना, पूरी जो इंटीग्रेशन है वो पूरी डिफरेंशियल बेस्ड है, बाद में रोना मत कि सर मेरे को ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, बताऊंगा नहीं इन चीज़ों को, बार बार कोई बेवकूफ़ नहीं तुमको बताने बैठूंगा मैं। ठीक है ना, ये तुम्हारे डिफरेंशियल के फॉर्मूले हैं पूरे, ई की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर लॉग एक्स से, साइन इनवर्स का होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स का होता है माइनस वन अपॉन रूट माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और इसका होता है माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स। तो बाला की मम्मी का नंबर आएगा देखो मम्मी से। फोन कर दे, हाँ मेरे को फ़ोन कर दे। ठीक है ना, मम्मी को करना सीधे। देखो ये फॉर्मूले के बाद इनका यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं अपन। मैंने बोला डी अपॉन डी एक्स ऑफ, तो समझो यहाँ पर साइन टू एक्स आ गया लिखा हुआ, साइन टू एक्स तुम्हारा डिफरेंशियल क्या होता है भाई, साइन का तुम्हारा कॉस टू एक्स, यहाँ पर ये टू एक्स भी है तुम्हारे अंदर बेटा, ध्यान दो फंक्शन है, साइन भी है और साथ में तुम्हारा क्या है ये टू एक्स भी है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू एक्स, तो ये आ गया कॉस टू एक्स इंटू टू, और ये आ गया टू कॉस टू एक्स। मैंने कहा लिखा गर्भवत की मम्मी के नंबर निकाल रहे हैं उसमें से, पढ़ाई लगाएगी आग लगा रही है सबने, ये आ गया। तो बेटा ध्यान रखना यहाँ पर पहले साइन टू एक्स का करूँगा, तो आ गया कॉस टू एक्स, और टू एक्स का तुम्हारा क्या होता है टू,
निकालना सावन फादर निकाल नंबर एक बार, सावन की फादर का निकालना। कॉस 3x तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन। भाई कॉस क्या होता है तुम्हारा साइन थीटा, माइनस होता है ना माइनस साइन थीटा, और मेरे को 3x करना पड़ेगा तो d अपॉन dx ऑफ 3x। तो बेटा कितना हुआ, माइनस का साइन 3x, इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा इंटू 3, माइनस का 3 साइन 3x। ठीक है, तो इनका ध्यान रखो कि भाई अब मैं सीधे बोलूँगा तुमसे d अपॉन dx ऑफ tan 3x, तो फटाफट लिख दो यार, ये 3 अंदर है इसका 3 होना है, भाई पहले दो बार sec स्क्वायर 3x एंगल, तो अब 3x को तुम्हारा क्या हुआ इंटू 3, तो आंसर इज 3 sec स्क्वायर 3x। सबको आज क्या जितने घंटे बैठे ना सबके मम्मी पापा से बात करूंगा, और इसमें पूरा टाइम निकाल रहा हूँ आज, कौन कितने घंटे क्लास अटेंड करी हुई है, आज बैठ के ये काम है रात को, और घर पे बात करूंगा सीधे आके, घर पे आने वाला एक दो दिन के अंदर, और घर पे आके बताऊंगा कि ये आठ वीडियो है, आठ वीडियो का टाइम भी इतना आ रहा है इनका गत होगा, किसने कितने वीडियो देखे कितने मिनट के, सब निकाल दूंगा मैं। हिमांशु एक काम कर लेना आज ध्यान रखना, किसने कितने मिनट में वीडियो देखा है ना वो मेरे को वॉच टाइम चाहिए पूरा, तेरी जिम्मेदारी है, और नहीं तो गौर से निकालेंगे तू नहीं निकाल पाएगा। तो किसने कौन कौन सा वीडियो देखा है, कौन सा नहीं देखा, सब निकालूंगा आज, कहानी उल्टी में बताता हूँ देखिए, अब बहुत प्यार से बहुत चीज़ें हो गई, अब पहले गधे को चलम नहीं आती, ट्वेल्थ में आ गए, पढ़ने लिखने का काम नहीं है, लड़की चक्कर में पड़े हुए हैं सबके सब, कोई इधर भग रहा है कोई इधर भग रहा है, इंस्टा पे लगे हुए, ये लुगाई वाले इंस्टा तुमको कमाने में देगा रुपए, इंस्टा वो आया था टिकटॉक का, उसके अंदर ही गधे गधे बनाते हैं इंस्टा पे, गधे इन पे गधे ही बैठते हैं, दुनिया के सबसे फालतू आदमी होते हैं ना वही बैठते हैं इंस्टा पे, इन पे सबका निकाल देना टाइम, इनके घर वालों को बता दूँ कि क्या गधे करते हैं, और इनके साले सबके ना वो हैक कर ले, इंस्टाग्राम के आइडिया कर ले, जो इन गर्लफ्रेंडों के सबके निकल जाए कहानी क्या क्या देखते हैं। आगे देखो बेटा, अब ये है तुम्हारे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, थोड़ा ध्यान देना, इसका मतलब हुआ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन हाफ, ठीक है, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन हाफ। अब देखो यहाँ पर देखो ये पावर है तुम्हारी वन हाफ है, तो समझ लो यहाँ दो फंक्शन तुम्हारे, एक तो पावर का और एक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, देखो समझो यहाँ पर दो फंक्शन है, तो पहले जो फंक्शन है वो तुम्हारे x की पावर n की तरह ट्रीट होगा ये, ठीक है, किसके रीड होगा ये एक्स की पावर एन की, तो पहले इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो बेटा फॉर्मूला कहता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन कितना हुआ वन बाई टू, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन बाई टू माइनस वन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा ध्यान देना, पहले अपन ने पावर का कराया, उसके बाद जो अंदर वाला फंक्शन है उसका कराया मैंने, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा वन बाई टू इंटू माइनस वन हाफ, तो आ जाएगा वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उससे कितना हुआ एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो आंसर कितना आ गया
एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन करो फटाफट, समझ में आया नहीं है ये? अरे भाई अपने अटेंडेंस डाल दो, कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है। सबने चैटिंग में सबने नाम डाल दो इसके अंदर। कौन कौन प्रेजेंट है? चार, पांच, छः, सात, हिमांशु, प्रियांशु, विनायक, यमन, हर्ष, अमन, सेजल, सिमरन, हर्ष, यमन, विशाल। एक बार डालना सब जने, दो बार में डालो। प्रियांशु गया फिर है, आ गया। दैविक 10 मिनट भी चल रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। टॉपिक छोड़ते रहो तुम्हारी सबकी बत्ती लगती रहेगी, कोई मतलब नहीं है। इंडिया को समझ में नहीं आएगा, जो मजे में ना सब मजे करते रहो। अब आगे देखो, थोड़ा इसको हार्ड ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन होता तुम्हारे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान दो, पहले लॉग फंक्शन है, फिर लॉग के अंदर ये पूरा फंक्शन है एक, उसके अंदर भी तुम्हारे दो फंक्शन है। तो बेटा पहले लॉग का करूँगा, तो पहले मैंने क्या बोला कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका डिफरेंस होता है तुम्हारा वन अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ पर देखो भाई, ये लॉग एक्स के अंदर जो पूरी टर्म है तुम्हारी ये वाली है एक्स प्लस रूट, तो लॉग एक्स से बेटा ये जो एक्स है वो पूरा एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर हो गया, तो इसका क्या हुआ, लॉग एक्स हो गया वन अपॉन एक्स। इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो वो नंबर लाया, फोन ला, सावन के पापा को फोन करने दे। कॉल कर रहे यार सावन के पापा को। ये कितना आ गया, वन अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका क्या हुआ, डी अपॉन डी एक्स एक्स इसका तो हो गया। देखो पहले तो मैं करूँगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन हाफ। हेलो, हाँ बेटा सावन नहीं घर पे भी? बेटा मेरी आवाज सुन, पापा से बात करा दे उसके। हेलो देखो यहाँ पावर, तो यार क्या है, कहाँ रहता है क्लास में? तो बैठ उसके अंदर, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल स्टार्ट कर दी, तुम होश ही नहीं है। ये हो गया वन अपॉन टू, बेटा ये देखो एक्स का तो हो गया वन, इसका क्या हो गया तुम्हारा वन बाई टू
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1। अब देखो पहले इसका पावर करा, पहले क्या था लास्ट वाला क्वेश्चन अपन ने, अब इस वाले करना पड़ेगा इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना आ गया तुम्हारा 1/ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस, तो ये तो हो गया 1/2, इसका रूट में आ जाएगा 1/ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट का डिफरेंस कितना हुआ 0, तो ये कट गया तुम्हारा 2 से 2। एलसीएम ले लूं, अपॉन रूट, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हो गया प्रूफ। तो ये था डिफरेंशियल रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फटाफट पिन करो और इसको बड़ा नोट कर लो एक बार, समझ में आया नहीं आया, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। थोड़ा ओपन करो इसको, ये क्लियर है या नहीं है। पिन करो फटाफट, इसके अंदर समझ में आया नहीं आई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन। चैट कैसे कमा रहे हैं, अब नेक्स्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, ये क्लियर है एकदम। दस बच्चे तो और तो बच्चे तो अब तक नहीं आया, सावन नहीं आया आगे, नहीं सर अब आया है तू, अब नेक्स्ट वाले समझना। अब नेक्स्ट देखो फटाफट क्वेश्चन, भाई सावन तो शुरू से देख ले वीडियो, शुरू देख आराम से आ रहा है। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है, देखने में क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन समझना। देखो यहाँ फंक्शन देखो कौन कौन से, तो पहले पावर टू का, फिर साइन एक्स, फिर लॉग एक्स, तीन फंक्शन है यहाँ पर। यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फंक्शन पहचानना है, ये मत करते ना भाई साहब किसी की चौकी से साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, इसका आंसर दिया तुमने कॉस स्क्वायर लॉग एक्स, ये नहीं करना ध्यान रखना, अपने कहीं मारती है इसके अंदर क्लास में वो कर देंगे, ये रॉन्ग है। चेन रूल लगाते हैं इसको, बोलते हैं चेन रूल, पहले लगाए पावर का, तो ये होगा एक्स की पावर एन की तरह, तो कितना हुआ 2 साइन, अंदर एंगल है एक्स, लॉग एक्स की पावर कितना हुआ, ये तो क्या 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स, ये करना है तो कितना आ गया ये 2 साइन लॉग एक्स, साइन को होता है कॉस लॉग एक्स,
और फिर ये कोई फंक्शन है अपॉन डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये कितना आ गया 2 साइन लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का होता तुम्हारा 1/x, तो नीचे x आ जाएगा, ठीक है। फटाफट पिन करो, ये क्लियर हो गया हो तो समझ लो इसको ढंग से, फिर अपन आगे लेंगे। फटाफट पिन करो। जल्दी पिन करो इसके अंदर। एक बार और बेटा यहां पर समझ, बेटा यहां पर तीन फंक्शन हो गए, दोबारा समझ ले। देख पहले यहाँ पर पावर का फंक्शन है पावर 2 का, तो उसको डिलीट करेंगे अपन, एक्स की पावर एन की तरह हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है। फिर क्या जाएगा तुम्हारा, तो पहले आ गया तो पावर कितनी 2, एक पावर कम कर दिया अपन ने, देखो दोबारा देख लो भाई, देखो साइन स्क्वायर लॉग एक्स है, तीन फंक्शन हो गए, पहले पावर 2 का, फिर साइन एक्स का, फिर लॉग एक्स का। तो पहले से करा अपन ने 2 का एक्स की पावर एन की तरह, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यही फॉर्मूला लगाया अपन ने, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये हो गया एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये स्टेप से ये सॉल्व कर दिया कि साइन का तुम्हारा क्या होता है कॉस, लॉग का तुम्हारा क्या होता है 1/x, ठीक है। अब क्लियर है तो दोबारा करता हूँ मैं क्वेश्चन, मैंने लिया डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर, तो एग्जाम में कैसे करना है e की पावर x से, पहले पावर 2 कर दूँ तो आ गया 2 cos e की पावर x, cos क्या होता है माइनस साइन, और फिर e की पावर x क्या होता है e की पावर x, तो क्या हुआ माइनस का 2 sin e की पावर x cos e की पावर x इंटू e की पावर x, ठीक है। बट आराम से रहोगे, सब समझ में आ जाएगी चीज़ें क्लास के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है जो ये क्लास में मजे ले रहे हैं ना, 40 नंबर उड़ेंगे सीधे बोर्ड के अंदर, कुछ समझ में नहीं आएगा उनको। इस बार कुछ नमूने थे, 40 नंबर का पेपर ही छोड़ के आए हैं बोर्ड के अंदर। क्लियर हो गया, अब वो कहाँ उड़ गया, वो प्रियांशु कहाँ गया भाई, तू तेरा मैसेज नहीं आ रहा, तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इसका मैसेज नहीं आएगा इसका प्रियांशु का, तो माने वो आपके द्वारा डायल किया गया नंबर ब्लॉक में डाल दिए है ना, ब्लॉक में डाला है। ये काम कर प्रियांशु, नंबर ब्लॉक में डाल तेरे मम्मी के नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/(1+x)2, याद रख लो फटाफट, ठीक है।
डी अपॉन डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स का तुम्हारा क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का तुम्हारा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर तुम्हारा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हैं, इनको नोट कर लो फटाफट, फिर अपन आगे चलेंगे। इनको नोट कर लो फॉर्मूले, इसको ये तीन अलग से फॉर्मूले हैं तुम्हारे। अब देखो इनका यूज़ क्या आता है वो तुमको समझाऊंगा धीरे धीरे मैं। अच्छा, अपनी जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास है ना पूरी कंप्लीट है उसके अंदर, जो अपन ने पढ़ा दी ना उसके अंदर, तुम उसको बार बार रिवाइज कर लेना, और चैप्टर टू कंप्लीट है, लेकिन चैप्टर टू का पूरा यूज़ होगा चैप्टर फाइव के अंदर, तो उसको पाँच छः बार जरूर वॉच कर लेना सब वीडियोज़ को। मतलब एक वीडियो कम से कम तीन तीन चार चार वॉच करूँगे ना, तो ये समझ लेना तुम्हारी आधी मैक्स खत्म कर दूंगा मैं, क्योंकि तो ट्रिग्नोमेट्री आर्ट होती है और वो उसके अंदर क्लियर हो जाएगी तुमको चीज़ें, बार बार कहीं दिमाग ही लगाना तुमको। ठीक है, ये फॉर्मूले लिख लो कॉपी में साइड में, क्योंकि मेरे को तो याद है, तुमको दिमाग में रहना चाहिए। अब जैसे मैंने क्वेश्चन बोल दिया तुमको डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अपन ले लिया टेन वर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास। अब यूज़ क्या है वो समझना, बेसिक चलते हैं। मैंने बोला पुट, अच्छा पहले तो कितने को याद है कि इसका फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू टेन वर्स एक्स, होता है फॉर्मूला, तो डिफरेंशियल कितना हुआ टू, और इसका तुम्हारा क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब किसको फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो कितना हुआ टेन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कितना हुआ टेन इनवर्स टेन टू थीटा, तो कितना अलग कर देंगे। बड़ा हो रही है बस, क्लास भी लाइव हो जाएगी थोड़ी देर में ना। अरे आ जाओ फटाफट सब चैट पे लाइव करो, उसमें आने वाली स्क्रीन। अरे दिक्कत ही हुई है, चलो क्वेश्चन लिख लो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ छोड़े फिर क्वेश्चन लिखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका आंसर क्या होगा
वही तो बोला है भाई, आ गई क्या? अरे चलो देखो क्वेश्चन है अपने पास। कर दिया भाई हिमांशु गौतम ने कर दिया आउट, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अरे इसकी वैल्यू क्या होती है फॉर्मूला पाई बाई टू, तो इसका आंसर आ गया 0। भाई कांस्टेंट हो गया ना पाई बाई टू, पाई बाई टू एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंस क्या हुआ 0। डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉट इनवर्स एक्स, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? भाई कॉस निकालो फटाफट, डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब समझो क्या यूज आ रहा है तुम्हारा इसके अंदर, इनवर्स का क्या यूज है? ये यूज रहता है इनवर्स का बेटा, क्वेश्चन कहाँ होता है और कहाँ पर उसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट वाले का आंसर बताओ फटाफट क्या होगा। हेलो लगा दिए क्या? करता हूँ एक बार देखो, लगा दिए स्क्रीन। चलो अभी करते हैं इसको, है ना? अब सही आ रही होगी मेरे हिसाब से स्क्रीन, देखो अब ढंग से आ रही होगी स्क्रीन। इसका आंसर देखो फटाफट देखो, इसका डी अपॉन डी एक्स ऑफ इसका हो गया। विशाल सही आ रही है स्क्रीन? ये फॉर्मूला किया था मैंने, टू टाइम इनवर्स का फॉर्मूला था ये वाला, प्लस टू कॉट इनवर्स एक्स, ये कितना आ गया टू टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या हुई पाई बाई टू। भाई हो गया टू इंटू पाई बाई टू, इसका डिफरेंस कितना आ गया 0। आ गया क्लियर है? एक सब जन प्रिंट करो, अब बेटा देखो क्वेश्चन कहाँ है और कहाँ पहुंच गया, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो मजा आएगा इन चीजों में। और दैविक और वो सुन रहे हो बात सावन, तो बेटा वो तुम आगे हो जाओ अब। और जिन्होंने इनवर्स पढ़ी होगी उनको समझ में आ रहा होगा, जो मजे में थे ना सब कहानी खत्म हो जाएगी उनकी। ठीक है चलो फिर अपन और की 7वीं क्लास है, अपन यहीं पे सेशन ओवर करते हैं। अच्छा दिन में अपन क्लास कर सकते हैं क्या बताओ मेरे को, दिन में 2 बजे क्लास कर सकते हैं क्या? तीन बजे रख लें, 3 बजे 4 बजे आ गई, 1 बजे सुबह सुबह किसी की क्लास है क्या 10 बजे स्कूल में? सुबह 10 बजे क्लास कर सकते हैं अपन, ये बताओ मेरे को।
सब जने पिन करो या सुबह 10:00 क्लास हो सकती है क्या? भाई अब मैं चाहता हूँ 10 से 11 रख लो, सुबह अपन फ्री हो जाए एकदम। तुम कहोगे तो 9 बजे 10 बजे, 10 बजे किसको दिक्कत है क्लास रखने में बताओ मेरे को पहले। बस ऐसे बोल दो 10 बजे क्लास रख लूँगा सुबह, उसमें बता दो यस। और अब भाई हर्ष 10 बजे उठ जाना भाई, यदि ये कोई जवाब नहीं हुआ 10 बजे तो उठ सकते, क्या दिक्कत है? यस सर मेरी क्लास है। अरे अमन कौन से स्कूल में है तू? अरे मैं उड़ा दूंगा बेटा, हर्ष उड़ा देंगे पर नशा वशा तो कोई दिक्कत नहीं है। अमन स्कूल में कौन से स्कूल में है तू? अमन आप कौन से स्कूल में हो? सिमरन तुम्हारी किस चीज की क्लास चलती है? 11 बजे एमपीएस की है, 12 बजे होती है किसी की? अच्छा एमपीएस इंटरनेशनल में क्या बंधु? बोलो यार सब जने आ करूँगे तभी 10 बजे रख पाऊंगा, अदरवाइज नहीं रख सकता मैं। अरे 11 बजे एमपीएस वालों की है यार। किसी की दिक्कत नहीं आ रही। चलो 102 में पिन करो फटाफट, 102 कौन किसी किसी क्लास किसी को दिक्कत है 102 के लिए? 102 का बताओ टाइम, 102 का टाइम बताओ फटाफट, कोई दिक्कत है 102 में? एक से दो बताओ। दो बजे किसी क्लास है? 2 बजे दे दीजिए। अरे ये एमपीएस वालों की रहती है फिर 2 से 2:40 की। 102 का बताओ फटाफट। अब सिमरन की दिक्कत आ रही है। चलो कल है ना, एक काम करना सब जने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने अपनी क्लासों का टाइमिंग डाल दो, फिर मैं एक बार टाइम सेट कर लूँगा। जिनकी जो जो क्लास चलती है ना अपना उसके अंदर नाम डाल के, सर मेरी स्कूल में ये क्लास है इस टाइम पे, वो डाल देना तो मैं इसको क्या देख लूँगा, फिर मैं अपने हिसाब से पूरा टाइम बता दूंगा। कल जिम्मेदारी है सबकी है ना, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ तो ग्रुप में ये तो बोल रहा हूँ कि पहले से अपने स्कूल का टाइमिंग डाल दो, एक जना पर्सनली भेज दो मेरे को, फिर मैं बता दूंगा कि इस टाइम सब बच्चे फ्री हैं, उस टाइम के ऐसे करने बैठेंगे तो पागल हो जाएंगे। बेटा 12 थोड़ी ठीक है ना, बस आज इतना ही करते हैं। ये मेरे को डाल देना मैसेज है ना, और डिफरेंस चलेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, आज इतना ही पढ़ रहे हैं ना, ठीक है? ओके बाय। ठीक है अपना सब डाल देना ग्रुप के अंदर।